जी हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं और जुझारू नेता भी मैं इनको कहूंगा। रविदास मल्होत्रा साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। जी अभी रविदास मल्होत्रा साहब तक लगता है हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम उनसे बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो सीधे जुड़े हैं, वही रविदास मल्होत्रा जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात आजम खान से नहीं हो पाई। तो आज सीधे रविदास मल्होत्रा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आजम खान से उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो पाई। हालांकि मीडिया में उन्होंने अब तक अपनी बात कही है और रविदास मल्होत्रा हमेशा अपनी बेबाक बातचीत के लिए, अपने जुझारूपन के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाने जाते हैं। यही वजह है कि मुश्किल दौर में भी वो अपना चुनाव जीतने में सफल हुए। रविदास मल्होत्रा साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने, जी बोलिए बोलिए, जिला प्रशासन ने और जेल प्रशासन ने हमारी मुलाकात आजम खान साहब से नहीं होने दी, क्योंकि जेल प्रशासन ये जानता था कि मेरी मुलाकात के बाद जेल में जो आजम खान के साथ दमन, जुर्म और अन्याय हो रहा है उसको हम बाहर बोलने का काम करेंगे जी। हम मुलाकात नहीं कर पाए उनसे, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि जेल के अंदर आजम खान साहब फांसी कारत की एक छोटी सी कोठरी में बंद हैं, उसी कोठरी में वो नहाते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं शौच करते हैं और वहीं पूजा करते हैं। उस कोठरी के अंदर वो बंद हैं, उनके पास कोई तखत नहीं है, वो जमीन पर सोते हैं चटाई पर, और उनको बी क्लास भी नहीं मिला है। जबकि जेल मैनुअल का ये नियम है कि अगर कोई सांसद या कोई विधायक जेल जाएगा तो जेल में उसको बी क्लास मिलेगा, ठीक है। जब आजम खान साहब जेल गए थे तब वो सांसद थे, आज विधायक हैं। बिल्कुल सरकार, रविदास मल्होत्रा साहब, क्लास क्यों नहीं दिया जी? रविदास मल्होत्रा साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, पूरी शिद्दत के साथ आपकी बात सुनी, क्योंकि आपने जो अपनी बात कही, लेकिन मल्होत्रा साहब मेरे कुछ सवाल हैं, वो सवाल जनता भी जानना चाहती है, मैं चाहूंगा उसके जवाब आप जरूर दीजिए। आज प्रमोद कृष्णन मिलने चले गए, प्रमोद कृष्णन ने लगभग एक घंटा मुलाकात की आजम खान साहब से, लेकिन आपसे क्यों नहीं मिले, एक सवाल मेरा ये। और दूसरा सवाल, क्या आपको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिलने भेजा था या आप अपनी मर्जी से, क्योंकि आजम खान साहब आपके आप लोगों ने साथ राजनीति की है, संघर्ष किया है, या आप स्वयं ही मिलने गए थे? मैं चाहूंगा इस पर भी आप सफाई दें जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जेल प्रशासन जिससे चाहता है उससे आजम खान की मुलाकात करवाता है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा प्रायोजित मुलाकात होती है और जिसको भाजपा सरकार नहीं चाहती है, ठीक है, उससे मुलाकात। मल्होत्रा साहब, आपको अखिलेश यादव जी ने मिलने भेजा था जेल में, सीतापुर जेल, या आप अपनी मर्जी से गए थे? जी बता रहा हूँ, सीतापुर जेल में लोकतंत्र सेनानियों का एक सम्मेलन था, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और आपातकाल में जो लोग आपातकाल बंद थे वो लोकतंत्र सेनानी हैं, आजम खान साहब भी लोकतंत्र सेनानी हैं। आपातकाल में आजम खान और मैं दोनों लोग 20-20 महीने जेल में बंद रहे हैं, और सीतापुर में लोकतंत्र सेनानियों का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैं गया था। मैंने उससे पहले जेल के लोगों से बात करी थी कि 24 तारीख को मेरा कार्यक्रम है, मैं आजम खान साहब से मिलना चाहता हूं, और मैं उनसे मिलने के लिए गया था। लेकिन जब जिला प्रशासन ने, जेल प्रशासन ने प्रदेश मल्होत्रा साहब, मैं सुन रहा हूं आपको, आप बात पूरी कीजिए। तो ठीक है, आपने बताया आप कार्यक्रम में गए थे, लेकिन क्या अखिलेश यादव जी ने आपको मिलने भेजा था, या आप स्वयं ही कार्यक्रम में गए थे और आपको लगा कि उनसे भी मिलाते हैं, क्या स्थिति थी? हेलो, हाँ मल्होत्रा साहब, मुझे आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मल्होत्रा साहब, खैर दोबारा संपर्क करेंगे, क्योंकि रविदास मल्होत्रा जिसे बात करना बेहद जरूरी है, ये वही रविदास मल्होत्रा हैं
जो सीतापुर में मिलने गए आजम खान से, लेकिन आजम खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, ऐसे जेल सूत्र बता रहे हैं। लेकिन रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि साहब मिलने नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ प्रमोद कृष्णम मिलके आ गए, कांग्रेस के नेता शिवपाल यादव मिलके आ गए, प्रसपा के नेता, लेकिन रविदास मेहरोत्रा साहब से नहीं मिले। और हम उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो खुद गए थे, जो अभी उन्होंने कहा कि मैं कार्यक्रम में शिरकत करने गया था, या उनको समाजवादी पार्टी ने अधिकृत तौर पर बतौर डेलीगेशन, बतौर प्रतिनिधिमंडल वहां पर मिलने भेजा था। इस सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी है। पर हम उनसे दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन तब तक आगे बढ़ते हैं। एक तरफ प्रसपा से लेकर कांग्रेस तक के नेता आजम खान से मिल चुके हैं, रालोद के अध्यक्ष आजम खान के परिवार के साथ लंबी मुलाकात कर चुके हैं।